काफी बार सवाल यह आता है कि अपने दिमाग की सुनना कि दिल की सुनना। दिमाग की सुनना मतलब इंटेलिजेंस, बुद्धि से सुनना, बुद्धि को ललकारना, और दिल मतलब हार्ट, मतलब इमोशंस, वहां से सुनना। क्या होता है जब इमोशंस है और इमोशंस में हम कोई डिसीजन ले रहे हैं तो बहुत बार डिसीजन गलत हो सकता है। ताकि आपने हरदम ये देखना चाहिए कि भाई आप जभी जभी इमोशंस में हैं तभी कभी डिसीजन लेना नहीं है। इसलिए मेरा एक दोस्त मिला था, बोले कि हाँ मुझे आप जो बोल रहे हैं वो खरीदना है, खरीदने की इच्छा हो रही है, मगर हमने दोनों ने ऐसा भी डिसाइड किया है, दोनों मतलब पति पत्नी ने, कि भाई एक बार डिसाइड कर लिया कि समझो एखादी चीज खरीदना है, जैसा कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हैं टीवी के ऊपर, हाँ खरीदना है अपने को ये टीवी, ये फ्रिज या जो भी कुछ है, तो डिसाइड करने के 15 दिन बाद में वो लेने का है। और 15 दिन बाद में क्यों? क्योंकि तब तक इमोशन शांत हो जाते हैं। क्या होता है इमोशनली हम जब डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन बहुत बार गलत हो सकता है। देखो ना, आपको इमोशंस से आपकी डिजायर पैदा करते हैं और वो डिजायर पैदा हो गई कि वो फुलफिल करने के लिए आपको माल बेचते रहते हैं। टीवी में जो होती है एडवर्टाइजमेंट वो क्या है, बड़े बड़े एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, सेलिब्रिटीज बड़े बड़े पदार्थों की जाहिरात करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं, बोलते ये खाओ वो खाओ, खाने की चीजों की, भले उन्होंने नहीं खाया होगा, उन्होंने टेस्ट भी नहीं लिए होंगे, उनको मालूम है कि ये गलत है, मगर तभी भी आपको बोलेंगे ये खाओ। और वो सेलिब्रिटीज ऐसा बोल रहे हैं कि ये खाओ, ये पियो, इसका इस्तेमाल करो, ये तेल वापरो, तो वो बोल रहे करके आप वापरेंगे, क्योंकि वो सेलिब्रिटी जब बोलता है वो आपके दिमाग में डिजायर डालता है, इमोशंस डालता है, वांट क्रिएट करता है, और वो वांट क्रिएट होगी, वो डिजायर क्रिएट होगी कि वो डिजायर हम फुलफिल कर सकते हैं, ऐसा बताते हैं। तो कभी भी आप इमोशन से मत खरीदना, इमोशन से मत डिसीजन लेना, इमोशनल फूल नहीं बनने का है। आप अपने इंटेलिजेंस से खरीदो, इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो है, उसका निर्णय मानो, और उसके लिए फिर आपको इमोशन को शांत होना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा, और बाद में डिसीजन लेने का है। मुझे बहुत अच्छा लगा वो दोस्त ने जब बोला कि हमने 15 दिन का निर्णय लिया है, 15 दिन के बाद हम देखते हैं कि भाई करना कि नहीं करना, आज हमको लग रहा है तुरंत खरीद लिया, ऐसा कभी नहीं करने का है। देखो, अपने गलतियों से सीखना वो तो मतलब जो बुद्धिमान है उसके लक्षण है। देखो, अपने गलतियों से सीखना चाहिए, मगर लोग अपने गलतियों से भी सीखते नहीं है। जो अपने गलतियों से सीखते नहीं वो मूर्ख है। अपने गलतियों से सीखो, अपने जो गलती किया उसे सीखो। अपने गलतियों से जो सीखता है उसको बोलते शाणा है, होशियार है। अपने गलती किया, सीखा, फिर दोबारा ये गलती नहीं किया। मगर जिंदगी बहुत छोटी है। अपन ने गलती करना और अपन ने सीखना, इसके बदले लोगों के गलतियों से सीखना और होशियार बनना, उसको बुद्धिमान बोलते हैं। तो बुद्धिमान बनो, और आप जब बुद्धिमान बनेंगे डेफिनेटली तो आप इमोशन से निर्णय लेते हुए बुद्धि से और लोगों की गलतियों से निर्णय लेंगे और आप बड़े बन सकते हैं। आपको जो अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो। हमारा ऐप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, डॉक्टर क्रेकर है नाम का, और वो भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।